एक्चुअली मैं ज़ाहिर ये समझता हूँ कि महज़ब जो कौमें हैं ना वो ट्रैफिक डिसिप्लिन से ही पहचानी जाती है। बच्चों में ये चीज़ हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस ठीक होगी तो आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनमें पता चल जाएगा कि लॉज क्या हैं, किस तरह से हमने ये ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आए थे, ट्रैफिक है, डॉल्फन है, पीरू है, वो जो भी ट्रैफिक लॉज हैं उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट करवा रही है, थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन एजुकेशन है। ये जो सेफ सिटीज़ हैं इन्होंने इसने एक आइज़ दे दी, आंखें दे दी, हम देख रहे हैं, हम पहले कुछ नहीं पता होता कहीं पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब पेरेंट्स जब ये वायलेशन नहीं करेंगे बच्चा समझ जाएगा कि मैंने इस जगह पे खड़े होना है, मैंने वायलेशन नहीं करे, थोड़ा सा उसे बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कानून के दायरे में मैं हूँ आपकी मेज़बान ताहिरा अली राना। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन पे कि जिनके ख़िलाफ़ वर्जी करके आप अक्सर औकात बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, आपको ई चलान आपके घरों में मौसूल होते हैं, क्या कवानीन हैं, इनके ख़िलाफ़ क्या क्या सज़ाएँ हैं, इन पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदू किया है सेफ सिटी डिपार्टमेंट के सीनियर ट्रैफिक वार्डन जो कि पुकार 15 के इंचार्ज भी हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं नासिर साहब, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। सर मुझे बताइएगा कि ट्रैफिक के बेसिकली क्या कवानीन हैं? ट्रैफिक कवानीन तो आई थिंक लातादाद हैं, लेकिन जिनकी बुनियाद पे हम लोगों को फाइन करते हैं और जो वायलेशंस हैं वो एक्चुअली 23 हैं, और 23 से अबव जो वायलेशंस होती हैं उनका हमारे पास एक कोड जनरेट होता है 24, नहीं 23 के अलावा अगर कोई बंदा वायलेशन करता है तो हमारे जो एक टिकट वो हमने जो स्लिप देनी होती है उसमें हम उसको 24 में उसको जो चलान है वो जनरेट किया जाता है। एक्चुअली मैं ज़ाहिर ये समझता हूँ कि महज़ब जो कौमें हैं ना वो ट्रैफिक डिसिप्लिन से ही पहचानी जाती हैं। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं जो तरक्की याफ्ता है, आप उसकी ट्रैफिक को देखेंगे तो आपको वो बिल्कुल मुनज़्ज़म नज़र आएगी, रोड्स के ऊपर डिसिप्लिन नज़र आएगा, वो डिसिप्लिन शो करता है कि लोग कितने तहजीब याफ्ता हैं, इनमें कितना सब्र है, और ये चीज़ें जो है वही इन फ्यूचर उनकी जो उन्होंने प्रॉस्पेक्ट करनी होती है लाइफ में या उनके मुल्क ने जो प्रॉस्पेक्ट करनी होती है वो उस पर बड़ी मैटर करती है। ये चीज़ें हम समझते नहीं हैं लेकिन ये चीज़ें बताती हैं, दुनिया बताती है हमें कि इस तरह से आगे जो है वो तरक्की की है। इसी वजह से लॉज बनाए जाते हैं और लॉज को इम्प्लीमेंट करना और चीज़ होता है और इम्पोज़ करना और चीज़ होता है। हम CTPL कोशिश करते हैं कि जिन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए, और इम्प्लीमेंट में सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस दी जाए कि हमने इसको फॉलो करना है। चलान कितने ज़रूरी हैं और क्या क्या कानून हैं, क्या क्या रूल्स हैं जिनको हम डिसओबे करते हैं? आई थिंक चलान हमारी जो है ना बीइंग मेंबर ऑफ CTPL एंड सेफ सिटी कोई ये कम ज़रूरी नहीं है हमारे लिए कि हमने चलान ही देना है। ट्रैफिक जो है डिपेंड कर रही होती है 3 चीज़ों पर, 3 E's पे, एजुकेशन, अवेयरनेस एंड इंजीनियरिंग। अब एजुकेशन क्या है कि हमने अपने बच्चों में ये चीज़ डेवलप करनी है, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस जो है बीइंग उन्होंने एक टीम बनाई हुई है जो मुख्तलिफ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाती है और वहाँ पे लेक्चर्स दिए जाते हैं, अवेयरनेस दी जाए। इवन बच्चों में ये चीज़ हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि बेस ठीक होगी तो आगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनमें पता चल जाएगा कि लॉज क्या हैं, किस तरह से हमने ये ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है, तो उससे आहिस्ता 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 विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। चलान कोई हल नहीं है, आप एक बंदे को अगर उसमें उसकी वायलेशन पे टिकट इशू कर देते हैं, अगर उसके अंदर नहीं तब्दीली है, उसको ये एहसास ही नहीं है कि मैंने ये वायलेशन की है तो उसमें मेरा नुकसान हो रहा है, इससे एक्सीडेंट होगा तो उसमें मेरी भी जान जाने का खतरा है और मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ, तो वो जब तक अंदर आपके अंदर वो एजुकेशन नहीं आएगी तो वो चीज़ें नहीं आएगी। सेकेंडली मैंने बताया कि इसमें एक इंजीनियरिंग बड़ी मैटर करती है, समटाइम ये जो हम वैसे तो भी बात कर रहे हैं इसकी चलानिंग की, ये एक्सीडेंटल जो केसेस ज़्यादातर होते हैं वो रोड इंजीनियरिंग पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, आप कभी किनाल रोड पर आपने सफ़र किया हो तो आपको पता है कि जो अंडर पासिस हैं वो वन लेफ्ट वन राइट, ट्रैफिक का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब भी होता है और इससे एक्सीडेंट भी होते हैं कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि एक ही रो में सारे अंडर पासिस आ जाते हैं, उन्होंने स्पीड अपनी रेज की होती है, आगे बाद पता चलता है कि अब तो अंडर पासिस साइड पे आ गए। ये इंजीनियरिंग फॉल्ट है जिसमें अभी हमारी जो एक टीम बनी हुई है वो जब भी कोई इस तरह से मैटर्स आते हैं, कोई रोड्स बन रही है नए, तो उसमें बैठती है और अपना जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू देती है कि उसको इस तरह से करेंगे तो ट्रैफिक के लिए बेहतर आएगी, बेटर है और एक्सीडेंट में कमी आएगी, हादसात में कमी आएगी। थर्ड पे आता है, ये थर्ड पे है इन्फोर्समेंट, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आए थे, वो ट्रैफिक है, डॉल्फन है, पीरू है, वो जो भी ट्रैफिक लॉज हैं उनके ऊपर जो इम्प्लीमेंट करवा रही है, थर्ड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन एजुकेशन है हमारा, अवेयरनेस है, ये थर्ड पे आता है कि हमने उनको चलान देना है। एट दी एंड हमारे पास फिर एक ही हल निकलता है कि कम अज़ कम थोड़ा सा इसको एहसास हो कि इसने नेक्स्ट टाइम ये वायलेशन
नहीं करनी। सर मेन क्या वॉल्यूशंस हैं जो कि एक पर्सन ज़्यादा करता है, जो आपको देखता है सड़क के ऊपर खड़े होकर कि ये वॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं? उस पर मैं बात करना भी चाहता था। हम जो है ना, जब भी मीटिंग्स होती हैं हाई ऑप्स की, तो उसमें ये चीज़ डिस्कस होती है कि आपने देखा होगा कि कभी कभी कैंपेन चल जाती है, हेलमेट कैंपेन है, अभी सीट बेल्ट कैंपेन है, सिग्नल वायलेशन कैंपेन है। वो क्यों होती है कि हम रेशोज़ देख रहे होते हैं कि इस मंथ में किस रेशो पे एक्सीडेंट ज़्यादा हुए हैं, और लोग ये समझते हैं कि पता नहीं किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी हेलमेट वाली का, हेलमेट ही बिकने हैं, देखने हेलमेट की कैंपेन। ये तब होता है कि हमें रेशोज़, हमें जो दूसरे इदारे हैं वो बताते हैं कि ये जो है ना, इस मंथ में, इस ईयर में आपके विदाउट हेलमेट जो हेड इंजरी है वो इतनी आई है, और इस पर हम फिर वर्किंग शुरू कर देते हैं। इसमें जो स्टैट्स निकलते हैं उसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि इस पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं और प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही हैं, उस पर हम फोकस कर लेते हैं। और उस फोकस को लोग ये समझते हैं कि इन्होंने किसी के साथ कोई पता नहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया हेलमेट बेचने का, या ये कुछ भी नहीं है। आप देखें, अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो किसका नुकसान है? आपका अपना नुकसान है। हेड इंजरी देखें किसी को भी हो सकती है। जब भी बंदा सड़क पर गिरता है सबसे पहले बाइक राइडर का वो सर लगता है, और अगर उसने हेलमेट पहना हुआ है तो वो 70% 80% उम्मीद होती है कि वो बच जाता है। सर आप अभी बता रहे थे मुझे कि मंथली बेसिस पे आप लोग स्टैट्स निकालते हैं, डाटा निकालते हैं, देखते हैं कि हादसा इस मंथ में किस वॉयलेशन की वजह से ज़्यादा हुए, तो वो स्टैट्स निकालने के लिए आप किन डिपार्टमेंट्स हेल्प लेते हैं? सेफ सिटी का इसमें क्या रोल है? देखिए पहले तो CDPL अपने थ्रू ही हमें पता होता था कि चीज़ें, क्योंकि एक्सीडेंटल केस FIRs उसकी हुई होती हैं मुख्तलिफ थानों में, और दूसरे रिकॉर्ड्स निकल रहे थे। तब चूँकि आपको सारा दौर जो है वो मैन पावर से निकल के उसमें चला गया, टेक्नोलॉजी में चला गया, टेक्नोलॉजी का, और सेफ सिटी इसमें सबसे आगे आ गया। आप देखें सेफ सिटी का किरदार हमें सारे स्टेट्स इधर से मिल जाते हैं कि कितने एक्सीडेंट हुए, रेशोज़ क्या हैं, और किस चीज़ के एक्सीडेंट ज़्यादा हुए। और पहले देखें बिल्कुल हमारी जो पुलिस थी ब्लाइंड थी, ये जो सेफ सिटीज़ हैं इन्होंने, इसने एक आइज़ दे दी, आंखें दे दी, हम देख रहे हैं। हम पहले कुछ नहीं पता होता कहीं पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, अब हम सामने देख रहे होते हैं और क्या हुआ है, किस वजह से हुआ है, इस पर हमें क्या वर्किंग करनी चाहिए। इसी पे मीटिंग्स होती हैं, इसी पे एजेंडाज बनते हैं, और इसी पे आगे लॉज को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, और थोड़ा उस पर फोकस किया जाता है कि ये एक्सीडेंट की वजूहत ये है, ये कॉर्नर है, यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है। सर अभी आप हादसा का जिक्र कर रहे थे, हादसा के हवाले से मुझे बताइएगा कि किस तरह से पता चलता है कि किस पर्सन ने की वजह से जो है ये हादसा पेश आया है? वो अभी मैं पहले आपको बता रहा था ना, पुलिस बिल्कुल ब्लाइंड थी। ये जो आईज़ सेफ सिटी ने हमें दे दी हैं ये हमें बताती हैं, जो कैमराज लग गए 8000 ये हमें बता देते हैं अभी कि एक्सीडेंट हुआ किन वजूहत की बिना पे हुआ, कौन सा पर्सन गिल्टी है, कौन सा पर्सन गिल्टी नहीं है। इसमें अब ना मैं थोड़ा सा लोगों की अवेयरनेस लेने के लिए थोड़ी सी दो चार चीज़ें लॉ के मतलब भी बता दूं कि ये जो रैश ड्राइविंग है 279 एक हमारी दफ़ा है, उसके तहत ये इसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है कि रैश ड्राइविंग। अब इसमें पहले जो बेस छिड़ती थी ट्रैफिक जो पुलिस थी उसके साथ उन पर्सन्स की जो एक्सीडेंटल केस में इन्वॉल्व होते थे, या कोई हिट हुआ है या दूसरा के कसूरवार का तो ये नहीं होता था, लेकिन सेफ सिटी ने बड़ा आसान कर दिया। अभी उसी चीज़ को फ़ौरन से पता चल जाता है कि इसमें कसूरवार कौन है और किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और किसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं लोगों को एजुकेट कर दूँ, लोग जो है ना लाइसेंस की अहमियत को नहीं समझते, समझते लाइसेंस रखना बड़ी बेवकूफ़ी सी बात समझते, हालांकि लाइसेंस यही चीज़ है। लाइसेंस मीन परमानेंट ऑफ ड्राइविंग, एंड परमानेंट ड्राइविंग आपको बड़ी जगह से बचा देता है। आप इन केस ऑफ एक्सीडेंट आप देखें जिसके पास लाइसेंस है वो उसके लिए वो केस एक्सीडेंटल केस बन जाएगा, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है इट मींस वो किसी को मारने के लिए निकला है। जब उसको इजाज़त नहीं है रोड यूज़ करने की, वो क्यों कोई गाड़ी है वही कोई बाइक है क्यों लेके आया, उसी पे जो है ना कसूरवार का तयन हो जाता है। तो आई थिंक जो सेफ सिटीज़ है, सेफ सिटी अथॉरिटीज़ हैं, सेफ सिटी के जो कैमराज हैं, ये हमारे लिए बड़ी नेमत है कि इससे हमें जो है ना उसका उसकी आइडेंटिफिकेशन, वो जो भी बंदा उसमें इन्वॉल्व है गिल्टी पर्सन का, वो फौरन से पता चल जाए। मतलब कि अगर आप गिल्टी हैं और आपका कोई कसूर है तो सेफ सिटी के कैमराज मौजूद हैं, आप बच नहीं पाएंगे। सर आप मुझे बताइएगा कि सेफ सिटी कैमराज की बदौलत ये जो ई चलान सिस्टम भी हमने इंट्रोड्यूस कराया है, इसकी वजह से चलान कितने कम हो रहे हैं और वॉयलेशन लोग कितना कम करने लग गए हैं? ये तो बिल्कुल आप में बात करना भी चाह रहा था कि आफ्टर ई चलानिंग पहले लोग जो थे आपको पता है कि ये देखते रहते थे कि ट्रैफिक पुलिस, अब ट्रैफिक पुलिस कॉन्टीन्यूसली लोगों पे नज़र नहीं रख सकती। ट्रैफिक पुलिस आई थिंक 3000 समथिंग तादाद में है, और लोग हमारे जो लाहौर की आबादी है वो पता है
एक करोड़ से भी ज़्यादा, कितनी ज़्यादा हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा आबादी है। तो इस आबादी को कंट्रोल इन लॉस के तहत कंट्रोल करने के लिए ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल है। और ये ETC जो ई चलानिंग है, इससे अब लोग जो है कैमरा से बड़ा डरते हैं, उनको पता है कि वॉयलेशन की कैमरे ने कैप्चर कर लेना। सर, ट्रैफिक के कवानीन को पर अमल करना इसकी पासदारी कितना ज़रूरी है आवाम के लिए, अगर आपको मैसेज देना चाहें तो ज़रूर। बिल्कुल, मैं एट द एंड ये मैसेज डेफिनेटली देना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज जो है ना, वो बनाए जाते हैं लोगों की वेलफेयर के लिए। लोगों को ये समझना चाहिए, लोगों को कभी भी ये समय आवाम को नहीं समझना चाहिए कि हमें ये हम पे ये इम्पोज किए जा रहे हैं और इससे हमारा नुकसान होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता। जितने भी लॉज हैं ये ज़रूरी हैं और इन पर अमल करना चाहिए। उसमें मैं सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी मैं पेरेंट्स के ऊपर ज़रूर डालूंगा ट्रैफिक लॉज के मतलब। मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर औकात ऐसे होता है कि आपके साथ आपके बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो आप वायलेशंस कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर वो बच्चा भी वायलेशन करेगा। जब भी अपने बच्चों के साथ बैठें, कभी भी वायलेशन ना करें। आपको पता है रेड सिग्नल आ गया, आप खड़े हो, आपके बच्चा भी, ये एजुकेशन है, ये थ्रू पेरेंट्स एजुकेशन है। उसके बाद इदारों का रोल है कि अब पेरेंट्स जब ये वायलेशन नहीं करेंगे, बच्चा समझ जाएगा कि मैंने इस जगह पे खड़े होना है, मैंने वायलेशन नहीं करें, थोड़ा सा उसे बताएं। उसके बाद जब इदारों की बात आती है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और इंस्टीट्यूट्स में जाता है पढ़ने के लिए, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हमारे अपने जो टीम्स हैं वो अवेयरनेस दे रही हैं, उनका रोल है। उसमें हमने रिक्वेस्ट की थी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि कुछ एक दो चैप्टर्स हैं वो ट्रैफिक से रिलेटेड ऐड कर दिए जाएँ, ताकि लोगों को ट्रैफिक लॉज का, बच्चों को में खासतौर पर स्टूडेंट्स में ये चीज़ जो है वो उसमें उनको अवेयरनेस आए कि हमने ये लॉज हैं और इन पर हमने अमल करना है। और थर्ड वन जो है फिर पुलिस तो इस पर अमल करवा रही है, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन जो बेस है, बेसिकली हमें चाहिए कि घर से शुरू से जो बच्चे छोटे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं, उसके बाद जो इदारे हैं उनका रोल है, उनको कोशिश करनी चाहिए कि ये जो भी ट्रैफिक लॉज हैं इनके मुतल्लिक उनमें अवेयरनेस दें, उनको एजुकेट करें बच्चों को, ताकि वो इन फ्यूचर अच्छे शहरी बन के ज़िंदगी गुजारें और एक्सीडेंटल जो केसेस हैं और जो रेशोज हैं वो डेफिनेट बात है इससे बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस हो जाए। सर, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कवानीन आप सबके तहफ़ के लिए बनाए जाते हैं, उन पर अमल कीजिए, अपने अपने प्यारों की जान बचाइए। आप हमें पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, इसके अलावा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान।